नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं देवली विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अशोक वैद जी से हम सीधी बात करेंगे। अशोक वैद जी, आपका स्वागत है सर। पहला आपका सर सवाल है मेरा, आपका जो राजनीतिक जो सफ़र जो आम आदमी पार्टी में जो जुड़ा आपका, कब से और कैसे आपके मन में आया सर? जी नमस्कार जितेंद्र जी, जब से अपना अन्ना आंदोलन शुरू हुआ जी सर, तो तभी से हमें पार्टी से जुड़ा रहा, और लेकिन एक साइलेंट कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि राजनीति से जैसे जैसे कि आपने देखा कि शुरू में लगता था हर बार के जो भी आंदोलन होते थे वो राजनीति से प्रेरित लगते थे, लेकिन अन्ना जी के आंदोलन के बाद मुझे लगा नहीं कि कुछ हम बदलाव कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा था कि कांग्रेस ने दिल्ली में भ्रष्टाचार की एक पराकाष्ठा, मतलब जिसे बोलते कि एक हद से ज़्यादा हो चुका था, चूँकि दो दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी, और उस बदलाव की पहल अन्ना हजारे जी ने शुरू की पूरे देश में, जिसका विशेष असर दिल्ली पे हुआ, जो कि आज आप एक राजनीतिक परिवर्तन देख ही चुके हैं कि एक जिस हिसाब से जनता ने दिल्ली की जनता ने दो बार आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, तीन बार, और तीनों बार ही आम आदमी पार्टी ने अपने आप को बड़े अच्छे से स्थापित भी किया है। जिस प्रकार से परिवर्तन शिक्षा में, अस्पतालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चेंजेस आए हैं, देखिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कोई भी काम करना आसान होता है, लेकिन उसको डेवलप करना और उसको स्टेब्लिश करके रखना ये मुश्किल होता है। तो इस काम को माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ही बखूबी निभाया, और एक नेता नहीं एक बेटा की तरह अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पूरा फर्ज निभा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसे जो योजनाएं चला रहे हैं जो कि सीधा जनता से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि अपना बिजली पानी का, हमारी माता बहनों के लिए फ्री, बच्चों के लिए फ्री शिक्षा, जो ओवरसीज़ में बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजना, टीचर्स के लिए भेजना, और अभी दोबारा से जो बुज़ुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का जो शुरू किया है, तो आप देखेंगे कि दिल्ली की जनता इतनी खुश है कि हर बार अच्छे वोट परसेंटेज से दिल्ली की जनता माननीय अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है। सर, आपका क्या जन सेवा चल रही है, आप जैसे लोगों में जुड़े हैं देवली विधानसभा से, क्या आपकी एक्टिविटी क्षेत्र में? सर वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले दो सालों से कोरोना में मैं और मेरी टीम पूरी तरह एक्टिव रही। मेरी संस्था है मदद आस्था के नाम से, जिससे हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों को हर तरीके से कच्चा राशन, पक्का राशन, कपड़े, कंबल, बहुत सारी चीज़ें हमने जरूरतमंदों को डिस्ट्रीब्यूट भी की हैं, और आप चाहेंगे तो मेरे पास वीडियोस वगैरह हैं, फ़ोटोज़ वगैरह हैं। अभी भी रिसेंटली भी हमने कुछ कंबल वगैरह गरीबों को, जो अपंग हैं, जो विकलांग हैं, उनको गरीबों को कंबल और खाने की चीज़ें हमने वितरित की, और मैं समय समय पर ये चीज़ें करता रहता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा एक सुकून मिलता है कि भाई हम अगर समाज में आए हैं तो समाज से तो हम हमेशा लेते हैं, लेकिन हम समाज को क्या दे सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे मायने से। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी में जो जुड़े हैं सर, किन किन पद पर आप रहे हैं और अभी का क्या पद है आपका? देखिए, वैसे तो सामान्य तौर पर मैं हमेशा से मेरा मानना है कि जो एक कार्यकर्ता अच्छा काम कर सकता है वो पद पर रहकर शायद नहीं कर सकता, क्योंकि कार्यकर्ता में इतनी क्षमता होती है और वो इतना ज़मीन से जुड़ा होता है कि वो जिस व्यक्ति को चाहे, जिस नेता को चाहे समझा सकता है, बोल सकता है, लेकिन पद लेने के बाद व्यक्ति थोड़ा सा संकोच में फील करता है, यार मैं अपने नेता के खिलाफ कैसे बोलूं। लेकिन फिर भी मुझे पार्टी ने मेरे पर विश्वास रखा और मुझे साउथ दिल्ली लोकसभा से ग्रीवेंस सेल का मुझे जेजी सेल में पद दिया गया है, तो मैं साउथ दिल्ली का पूरे 10 विधानसभा और दो जोन, पूरे जो ज़िले हैं वो देखता हूँ, ग्रीवेंस सेल के शिकायत प्रकोष्ठ जिसको कहते हैं, मैं वो देख रहा हूँ। साथ में और भी पार्टियां, मुझे समय समय पर छोटे छोटे पदों पे मैं काम करता रहता हूं, और वार्ड लेवल पे भी मैं बीडी प्रभारी रहा हूं। तो ऐसी मतलब ये थोड़ी सी मैं पार्टी के लिए करता रहता हूं, कोशिश करता हूं कि पार्टी की तरक्की के लिए, प्रगति के लिए अपना जो मैक्सिमम समय हो सकता है मैं समय दूँ। अच्छा, आने वाला सर जो MCD के चुनाव आ रहे हैं मिशन 2022, इस बार का रुझान क्या लगता है आपको कि 15 साल से जो दिल्ली MCD में, क्या परिवर्तन होगा इस बार दिल्ली? सर रुझान तो आप जानना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है BJP के करप्शन से, कहीं पर लेंटर माफिया है, कहीं पे क्या बोलते हैं पार्कों की माफिया, आप देख रहे हैं कि कब्जा एंक्रोचमेंट BJP ने इस हद तक बढ़ा दिया है कि आपका रोडों पर चलना मुश्किल है। हमारे जो हमारे पार्षद पिछली बार जीत के आए हैं वो बड़ी जीत तोड़ से मेहनत करते हैं, लेकिन हाउस में उनको चलने नहीं दी जाती है, और BJP, मैं कहता हूँ कि BJP का तो एक लगा लीजिए कि इस टाइप की पार्टी हो चुकी है कि उनका नाम मतलब BJP मतलब भ्रष्टाचार, एक मतलब एक पर्यायवाची हो चुका है BJP का भ्रष्टाचार। मतलब जितना मोदी जी बड़े बड़े अपने आप को
कॉमन मैन और अपने आप को झोला, तो मुझे तो लगता है कि मोदी जी सिर्फ झोला लेके इसलिए घूमते हैं कि जनता को सारा नोट भर के और गायब हो जाए। वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा जी, झोला लेके चल दूंगा। तो हम तो ये उम्मीद लेके चलते हैं कि मोदी जी देश का भला तो कम से कम करने नहीं आए हैं। अच्छा, जाने अशोक जी, जैसे कि अभी कल का आपने देखा कि करंट की जो खबर है, कानून, कृषि कानून बिल जो वापस लिए मोदी सरकार ने जी, इसके लिए मैं किसान भाइयों को, आम आदमी के संघर्ष को और आम आदमी पार्टी के संघर्ष को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं माननीय केजरीवाल जी का बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने, आपने देखा, मैं खुद भी सिंधु बॉर्डर पे गया था, हमने वहाँ पर लंगर बंटवाया था, कंबल बांटे थे, और काफ़ी हद तक आम आदमी पार्टी ने बगैर पार्टी के बैनर तले, बगैर पार्टी का नाम लिए किसानों के साथ बेजोड़ तोड़ तरीके से खड़ी रही, पूरे तन मन धन से हम लगे रहे, और हमारे कार्यकर्ता डेली वहाँ पर एक किसान भाइयों के साथ मजबूती से खड़े रहे और हम संघर्ष उनके साथ करते रहे। उसी संघर्ष की हमारी जीत थी, हमारे किसान भाइयों के बलिदान की जीत थी, जो हमारे 700 किसान भाइयों का इस आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और ये बात साबित हो जाती है कि तानाशाह कितना मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके इरादे बुलंद हैं तो अच्छे से अच्छी सरकारें, अच्छे से अच्छे तानाशाहों को हार मानना पड़ता है। और मैं इसके लिए दोबारा से माननीय केजरीवाल जी का और किसान भाइयों का धन्यवाद देता हूँ कि वो हिम्मत से डटे रहे, अड़े रहे, और इतना अड़े रहे कि सरकार को, मोदी सरकार को, जो एक तानाशाही सरकार है, उसको झुकना पड़ा। सर, आप इस एमसीडी चुनाव के दौड़ में हैं और किस वार्ड से आप एक्टिविटी कर रहे हैं? देखिए सर, मेरी तो पूरी दिल्ली मेरा वार्ड है, क्योंकि देखिए मैं एक आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी के तीनों मेयर, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये मैं चाहता नहीं, बल्कि ये ऐसा हो रहा है, मैं बीजेपी को, कांग्रेस को और जितने भी अपने आप को पार्टियां मानती हैं, मैं मानता हूं कि आने वाले इलेक्शन में, एमसीडी के इलेक्शन में, आम आदमी पार्टी के तीनों मेयर जो हैं दिल्ली में आ रहे हैं, और हम मजबूती से अपना अपना अपनी सरकार बनाएंगे। आप इस चुनाव के दौर में अशोक जी? सर, पार्टी अगर चाहेगी तो बिल्कुल। किस वार्ड से आप एक्टिव हैं? मैं 74S से एक्टिव हूं। और क्या क्या बेसिक समस्या हैं सर एमसीडी से? सर, एक्चुअली बेसिक समस्या एमपी, सबसे बड़ा तो इंक्रोचमेंट है ही वहाँ का, क्षेत्र का। हाँ, क्षेत्र का इंक्रोचमेंट है, ये पूरे मतलब पूरी दिल्ली की समस्या है, और हमारे वार्ड में भी इंक्रोचमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। तो प्रयास रहेगा कि मुझे अगर मौका देती है पार्टी अगर सेवा करने का, तो मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा वहाँ के साफ़ सफाई को लेकर मुद्दों को उठाना, वहाँ के पार्कों के मुद्दों को उठाना, वहाँ के एंक्रोचमेंट के मुद्दों को उठाना, और गरीबों में, अगर जैसे कि आपने अभी रिसेंटली देखा कि दिल्ली सरकार एक नई योजना ला रही है कि वेंडर्स के लिए, कि तो मैं अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस योजना को दिल्ली के लोकल जो बेचारे जो रेहड़ी पटरी वाले उन तक पहुंचाऊं और उनको एक स्थानीय और एक स्थायी समाधान दूं, उनको एक जैसे कि एक इज्जत वाली, क्योंकि अभी आपने देखा कि बेचारे रेहड़ी पटरी वालों को लोग इज्जत की नज़र से नहीं देखते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की जो योजना लाई है वेंडर्स के लिए कि भाई आप उनको वहीं जहाँ पर, जैसे आपने सुना था कि दिल्ली सरकार लाई थी एक योजना कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ठीक है, तो उसी योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार चाहती है जहाँ ठिया वहीं दुकान। बिल्कुल, ये देखिए बातों में एक स्लोगन भी बन गया, ये केजरीवाल जी का भी स्लोगन है कि जहाँ ठिया वहीं दुकान। तो मैं चाहता हूँ कि केजरीवाल जी के इस मजबूत सपने को, जो एक बेचारा आम नागरिक, एक आम गरीब ठिया वाला, रेड़ी पटरी वाला, उसको ये इस योजना का फ़ायदा मिले। और मेरा प्रयास सर्वप्रथम, जब भी अगर पार्टी मुझे सेवा का मौका देती है, तो मेरा सर्वप्रथम ये प्रयास रहेगा उन रेड़ी पटरी वाले भाइयों को, मेरी माता बहनों को स्थायी रूप से समाधान मिला जाए, उनको दिल्ली पुलिस से, एमसीडी से, जो उनके ऊपर प्रेशर रहता है, जो करप्शन रहता है, किसी भी रूप में, उस करप्शन से मैं उनको निजात दिला सकूँ। धन्यवाद सर आपका। अशोक वेद जी, तो ये हमारी सीधी बात अशोक वेद जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।